दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। छोटे छोटे गांव में हजारों की संख्या में लोगों का पहुंचना ये दर्शाता है कि स्वामी जी की व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को देश के हर क्षेत्र के लोगों का समर्थन है। अब आम आदमी भ्रष्टाचार से मुक्त समाज चाहता है, वो भी विदेशों में रखे धन को वापस लाना चाहता है और देश को दूसरी आजादी दिलाकर भारत को विश्व का सिरमौर बनाना चाहता है। तो फिर ऐसी सोच में उत्तराखंड के गांव का आदमी अपने आप को कैसे दूर रख सकता है, वो भी इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब स्वामी जी पहुँचे उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में, जहाँ रात के घनघोर अंधेरे के बावजूद लोगों ने स्वामी जी का स्वागत ऐतिहासिक तरीके से किया। महिलाएं आरती की थाल व मंगल कलश लिए गुरु वंदना कर रही थी, तो वहीं स्थानीय कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य कर रहे थे। जैसे ही स्वामी जी लोगों के बीच पहुंचे, तो लोगों ने भारत माता की जय एवं वंदे मातरम की जय घोष के साथ स्वामी जी के प्रति अपने आदर को प्रकट किया। अगले दिन स्वामी जी चल दिए पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग की ओर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले थल गांव के लोगों ने काफिले को रोक स्वामी जी का भारत माता की जय घोष के साथ माल्यार्पण किया एवं शॉल भेंट कर जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, हल्के लोगों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के पश्चात स्वामी जी पहुँचे पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग, जहाँ स्वामी जी का स्वागत लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ किया। लोग चरणों में पुष्प अर्पित कर अपने सम्मान को प्रकट कर रहे थे। मंच पर स्वामी जी का पूज्य संत ने शॉल भेंट कर पारंपरिक स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को नशा मुक्ति की राह दिखाने के साथ साथ विदेशों में जमा काले धन के सच से भी अवगत कराया तथा सभा के अंत में लोगों की समस्याओं का समाधान भी बताया। जीवन की सबसे बड़ी ताकत है उत्साह। अब साथ देना मेरा, जीवन की सबसे बड़ी ताकत और जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी, अब उल्टा बोलो इसका, निराशा। जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी, एक बहुत तगड़ा व्यक्ति है, बहुत बलवान है, पहलवान है, लेकिन मन में कमजोरी आ गई तो कहता है मेरे से कुछ होता ही। बहुत बलवान व्यक्ति भी हिम्मत हार जाए तो कमजोर हो जाता है, बहुत धनवान व्यक्ति हिम्मत हार जाए तो कमजोर हो जाता है। मैंने तो देखा अरबों पति लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं, हिम्मत हार जाते हैं। जो यदि हिम्मत हार गया फिर वो जी नहीं सकता दुनिया में। इसलिए वेद कहता बलम उपासवा, बल की उपासना करो। अग्नि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु मृतम आसन अर्कस्य धात रसो विमान अजस्रो खरुम हरस्मि नाम। आदमी को ना आग बन करके रहना चाहिए। देखो जंगल में जब आग जल रही होती है तो उसके पास शेर भी आने की हिम्मत नहीं करता, और जब वही आग जब राख हो जाती है तब चीटी भी रोंदती हुई आगे बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा आग बन करके रहना, राख बन करके मत रहना। जब तक भीतर संकल्प की अग्नि, उत्साह की अग्नि, ज्ञान की अग्नि जब तक भीतर प्रबल रहेगी तब तक आप जीवन में आगे बढ़ोगे। और जिस दिन आपके भीतर की ज्ञान की अग्नि, संकल्प की अग्नि, उत्साह की अग्नि, आशा विश्वास की अग्नि, श्रद्धा की अग्नि बुझ गई, जीवन खत्म हो जाएगा। तो मैं बेरीनाग
मुझे नहीं पता ये नाम कैसे पड़ा है, अलग अलग स्थानों की अलग अलग संस्कृति है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है आप लोग उत्साह के सागर हो। और मैंने कहा ऊंचे पहाड़ों पर ही नहीं होते, आप ऊंचे हौसले वाले हो। आपको मेरी बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। अब कुछ मुद्दों की बात करता हूं, कुछ मुद्दे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मुद्दे जो हमारे देश के हैं, और देश का हर मुद्दे का संबंध आपसे होता है, आप कुछ समझ नहीं पाते, अलग बात है। मैं देखता हूं चारों तरफ अन्याय हो रहा है 99% लोगों के साथ, लेकिन वो जो 99% लोग हैं वो नकारात्मक सोचते रहते हैं, असंगठित रहते हैं, अपने से बाहर सोच ही नहीं पाते, अपने समस्याओं से घिरे रहते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं हो पाता। मैं रोज आपसे बोलता हूं देश में महंगाई है नहीं, पैदा की गई है। अपने देश में पेट्रोल क्या रेट है, यहां क्या रेट है? 70, जबकि यहां उत्तराखंड में एक आधा टैक्स कुछ कम है, बाकी देश में 70 से 75 रुपए। ठीक है, ये मेरे पास एक सीट है, कोई भी इंटरनेट से जाके निकाल लेना। बाकी देशों में पेट्रोल का क्या रेट है? बाकी देशों में पेट्रोल का रेट मैं आपको रुपए में बता रहा हूं, डॉलर में नहीं बता रहा हूं। ये दोहा में है जहां पर कभी कभी खेल भी होते रहते हैं, वहां 8 रुपए लीटर, कितना? 8, और अपने यहां 70 से ज्यादा। फिर इसी तरह से अरब में तो 8, 8, 9, 9 ही है, फिर 12, फिर 16 है, नाइजेरिया के अंदर 16 है, फिर ऐसे ही यूएई के अंदर 18 है, ईरान के अंदर 24 है, 24, 25, 26, और देखो और तो छोड़ो, जो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर कितना है? 38 रुपए। पाकिस्तान अपने नागरिकों को 38 रुपए पेट्रोल उपलब्ध करा रहा है, और हमारे यहां के बेईमान 70 और 74 रुपए ये लूट रहे हैं। ये मैं जो आपको बात कह रहा हूं, आपको मैं सारी चीजें तथ्यों के साथ कहना चाहता हूं। ये और फिर कहते हैं 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए से बढ़ाते रहते हैं, और 1-2 रुपए कम कर देना तो बोलते हैं हम देखो हमने महंगाई कम कर दी। एक्चुअल रेट पर यदि पेट्रोल दिया जाए तो मैंने क्रूड ऑयल का मूल्य निकलवाया, क्रूड ऑयल का मूल्य है 26 रुपए सारे खर्चे लगा के, ऐसे तो 21 रुपए है, 21 रुपए प्लस रिफाइन करने का, उसको साफ करने का 5 रुपए 34 पैसा, कुल मिलाकर के पेट्रोल का रेट होता है 26 रुपए, कितना? और हमें कितने में दिया जा रहा है? 75 रुपए, 3 गुना करके। अब ये बीच में मार कूंड रहे हैं, ये सब बेईमान बंदर बांट करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर यदि पेट्रोल एक्चुअल प्राइस पर दिया जाए तो 25-26 रुपए मिलेगा, लूट रहे हैं देश को। महंगाई है नहीं, पैदा कर दी गई है, गैस डीजल पेट्रोल, जमाखोरी करके घी तेल चीनी शक्कर सब कुछ लूट के रख दिया है। भाई बहनों ये तो महंगाई की बात की, जिससे आप रोज जूझते हो, आपकी जेब से रोज 100, 200, 500 रुपए निकलते हैं, आपकी नहीं देश के 121 करोड़ लोगों की जेब से रोज पैसे निकलते हैं महंगाई के चक्कर में। देखो ये जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है ना, ये कितने का है? 1,76,000 करोड़ का है, थोड़ा बहुत हिसाब तो रखा करो, कितने का है? 1,76,000 करोड़ का, बच्चे भी बोल रहे हैं। अच्छा हमारे देश के लोगों को ये नहीं पता स्पेक्ट्रम क्या है और ये 2G क्या है। मैं सबसे पूछता हूं भाई 400 लाख करोड़ पे जो काला धन है ये हिंदुस्तान को मिलना चाहिए कि नहीं? ये मिलेगा तो अपना जिला कौन सा पड़ता है? पिथौरागढ़। ये 400 लाख करोड़ पे मिलेगा तो पिथौरागढ़ को कितना मिलेगा? कम से कम 50,000 करोड़, बोल तो लो इतना मिलेगा, अभी तुम ही बैठे हो तुम। और ये 400 लाख करोड़ रुपए यदि इसका मैं अभी निकाल रहा हूं मेजरमेंट, ये 400 लाख करोड़ रुपए यदि नोट बना के रखे जाएं तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाए तो हिमालय से भी ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी, इतने पैसे हैं ये 50,000 करोड़। बताओ पिथौरागढ़ वाले कहां खर्च करोगे? बोले बाबा दिला दे फिर तो ठिकाने लगा देंगे हम। 50,000 करोड़ खर्च करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पूरे उत्तराखंड का बजट होता है 7,000 करोड़ का, पूरे उत्तराखंड का बजट कितने का होता है? 7,000 करोड़ का। उत्तराखंड के बजट से कितना कितना ज्यादा हो जाएगा? 7 गुना। उत्तराखंड के बजट से 7 गुना अकेला पिथौरागढ़ को मिल जाएगा। या यूनिवर्सिटी बना लो, हर एक तहसील में बना लो, हर एक कस्बे में बना लो, कितने तहसील है यहां?
चार आठ आठ विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय बनाने में 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लो, चलो कितने खर्च हो गए 8000 करोड़। बाकी अपने छोटे से स्कूल बना लो, हो गए 10000 करोड़। अपनी सड़कें एकदम पक्की बना करके उनके ऊपर भी जो है आप सोने की परत भिजवा लो, हर एक खेत में ट्यूबवेल लगवा लो, हर एक सारा काम करने के बाद भी ये 50000 करोड़ आपसे खर्च करने में नहीं आएगा। हमारे इस अभियान में 99% लोग हमारे साथ में हैं, लेकिन दुनिया के 1% ताकतवर लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, वो हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि जमीन उन्हीं की खिसक रही है। लेकिन 99% लोग मिलकर के हम संघर्ष करेंगे और एक दिन ये 99% लोगों का हक मिलेगा। इसके लिए चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम सब मिलकर के करें। भाई बहनों, छोटी बात नहीं। अरे जब मैंने पत्र देखा, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स हेवन है, सबसे सेफ टैक्स हेवन, सबसे सेफ टैक्स हेवन कौन सा है? अमेरिका। और अमेरिका के बारे में एक दो बातें और बता करके अपनी बात को आगे बढ़ा देता हूं। अमेरिका में एक जगह है डेलावियर, वहां पर 135 लाख करोड़ रुपए जमा है। कितना? और उसकी इतने प्राइवेसी के लॉज, इतने ज्यादा गोपनीयता के नियम, इतने ज्यादा कठिन है, कठोर है, वो तो स्विट्जरलैंड को भी माफ कर गया। और वो कह रहा है ये जो 25 MPO की लेटर है, दरअसल ये भूल चूक से हाथ लग गया, ये पूरा का पूरा, ये कोई बाबा जी का क्रिएटेड लेटर नहीं है, ये अमेरिका का लेटर है। ये भारत के राजनेता और अमेरिका के राजनेता आपस में मिले हुए हैं, और 70 से ज्यादा दूसरे तो और देश हैं। यूके, ब्रिटेन सबसे बड़ा टैक्स हेवन है। भाई बहनों, ये तो थी 400 लाख करोड़ रुपए की बात। अभी अगली बात मैं आपसे खास कहना चाहता हूं, ये महंगाई में कितने का घोटाला हुआ होगा। मैंने कहा 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़, कॉमनवेल्थ में 70-80 हजार करोड़ रुपए, आदर्श सोसाइटी घोटाला और तमाम जमीन घोटाले, ये वो सब मिलाकर के एक कृष्णा गोदावरी केजीबेशन, ये तो इतना बड़े घोटाले हैं, ये तो छोड़ दीजिए, ये सारे घोटाले एक तरफ हैं। पेट्रोल का भाव बढ़ा करके, डीजल का भाव बढ़ा करके, गैस का भाव बढ़ा करके, दालों का भाव बढ़ा करके, तेलों का भाव बढ़ा करके, चीनी का भाव बढ़ा करके, और ऐसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भाव बढ़ा करके, जो एक्चुअल प्राइस था उससे हमसे 1.5-2 गुना मूल्य लिया गया। इस घोटाले का मूल्यांकन किया जाए तो कितना होगा? यह है करीब 10 लाख करोड़ रुपए। कितना? 10 लाख करोड़ रुपए। ये है बड़ा घोटाला, तो ये महंगाई घोटाला, इसका नाम क्या है? ये हमको ऐसा लगता है ये तो खरीदनी पड़ेगी, ये वास्तविक मूल्य में चीजें नहीं बेची जा रही, ये कृत्रिम मूल्य है, ये घोटाला करके बढ़ाया हुआ मूल्य है, ये देश के साथ धोखा करके बढ़ाया हुआ मूल्य है, लोगों के साथ छल करके बढ़ाया हुआ मूल्य है। खैर, ये तो बातें थी मुद्दों की। हम भारत की राजनीति को व्यक्ति, परिवार, वंश, जाति और मजहबों से हटा करके मुद्दों पर परिवर्तित करना चाहते हैं। और मुद्दे क्या है? काला धन, मुद्दा है भ्रष्टाचार, मुद्दा है आर्थिक नीतियों में परिवर्तन, आर्थिक नीतियों में सुधार, और मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन। इन चार मुद्दों के ऊपर जिस दिन भारत की राजनीति आ, उस दिन महंगाई भी और उस दिन लूट भी खत्म हो जाएगी, सारी आर्थिक सामाजिक विषमता खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे हैं, इनमें से जो रोजगार के योग्य हो चुके हैं, करीब 80% ऐसे युवक हैं जिनको कोई सम्मानजनक रोजगार, किसानों के लिए अपनी उपज पैदा करने के लिए सम्मानजनक उनके पास में कृषि के साधन, ये हालत है देश की। और हमारे पैसे से अमेरिका मौज कर रहा, ब्रिटेन मौज कर रहा है, यूरोप मौज कर रहा है, सारा यहां का काला धन वहां जाता है। ये छोटा मुद्दा नहीं है, यही एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए हमने कहा, जो पार्टी का नेतृत्व इन मुद्दों के ऊपर सहमति व्यक्त नहीं करता, जिस पार्टी के नेतृत्व की नीयत में और नीतियों में खोट है, उसको वोट नहीं देना। यदि आपने उस पार्टी को वोट दिया तो देश के साथ धोखा होगा, देश के साथ विश्वासघात होगा, देश के साथ गद्दारी होगी। यह है मुद्दा। वो कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी का भी नेतृत्व उसकी नीतियों में खोट है, उसकी नीयत में खोट है, और वो राष्ट्रहित के मुद्दों पर सहमत नहीं है, उस जिस पार्टी के नेतृत्व में खोट है उसको वोट